खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शुक्रवार की सुबह 4 बजे के करीब रेलवे बस स्टेशन और कचहरी बस स्टेशन समेत 3 जगहों पर छापा मारा। टीम ने कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद और बनारस से बसों से भारी मात्रा में आने वाले खोआ मावा को बरामद किया, जो 50-50 किलो की 22 टोकरी में रखा गया था। ये मावा देखने में ही गुणवत्ता में काफ़ी ख़राब लग रहा था। मुख्य खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा त्योहारों को देखते हुए ये बरामदगी की है। अभी तक कोई दावेदार सामने नहीं आया। खाद्य विभाग की टीम ने बताया कि बाजार में मिलावटी मिठाइयाँ ना पहुँचे, इसलिए हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। शुक्रवार की सुबह बसों से उतरने वाले कुल 26 टोकरी में 13 क्विंटल मावा बरामद किया गया। इसके अलावा 15 डिब्बों में 2.25 क्विंटल सफ़ेद छेने के रसगुल्ले भी बरामद हुए हैं। ये रसगुल्ले भी मावा की तरह ही अधोमानक प्रतीत हो रहे हैं। हर डिब्बे में 15 किलो रसगुल्ले यानी छेने की मिठाई है। ये सारा माल प्रथम दृष्टया ये माल मिलावटी प्रतीत हो रहा है। इसके दावेदार नहीं आएंगे तो इसे नमूना लेने के बाद नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बढ़िया उसकी क्वालिटी दोनों नमूना था अस्त्र। बस स्टेशन यहाँ पकड़ा गया 13 क्विंटल, वहाँ पकड़ा गया 2 क्विंटल। आइए तो क्वालिटी एकदम खराब है। कहाँ वहाँ पकड़ा? वो कानपुर से आता है, ये गाजीपुर इलाहाबाद से आता है। संध्यास्पद रहेगा तभी तो रोका गया है। ओरिजिनल खोया में 30% घी होना अनिवार्य है। पूरा पाउडर का मतलब वो नहीं गलत है, जो पाउडर है पाउडर है शुद्ध दूध का, गाय का उसका नहीं है, पाउडर हो गया बेची पाउडर उसका है, जो इसका निकाल लिया गया है क्रीम। हाँ अरे रेट कम मिलेगा ही ना कहेंगे तो। अभी आएंगे चीफ साहब, तो चीफ साहब आएंगे तो बैठ देंगे। कुमार सिंह नए आए हैं मुख्य सुरक्षा अधिकारी, नहीं चले गए जौनपुर। आप आइए
ये बनारस से आया है? नहीं, पता नहीं कहाँ। अरे सब थोड़ी खुलेंगे यार, तुम भी ऐसी बात कर रहे हो। नहीं रहने दो, देखे है ना तो जो है।